हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज फुल मून है और आज हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है और ये एनर्जी अभी करंट में देखा जाए तो उन डीएफ के साथ रेजोनेट करेगी जो अपने मिड ऑफ द जर्नी पे हैं या फिर उनकी अवेकनिंग 6 to 8 months पहले हुई है। अभी यहाँ पे उनकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। वो ड्रीम में देख सकती हैं, खुद को न्यूड देख सकती हैं या फिर किसी फ्लोर की सफाई कर रही हैं। पानी बहुत देख सकती हैं कि वो फ्लोर को, बर्तन को या कपड़े को साफ़ कर रही हैं या खुद नहा रही है, तो इसका मतलब है क्लिनजिंग हो रही है आपकी। और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको सीवियर पेन हो सकता है टो में या फिर हैंड की फिंगर में और कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पेन हो रहे हैं, तो मींस आपकी क्लिनजिंग हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है उस जगह से। क्या होता है, अगर पास्ट में कोई पेन था आपको तो इस वक्त वो सामने आ सकता है। इस वक्त आपकी पेन बॉडी एक्टिव है और बहुत सारी डीएफ के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो रही है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई निगेटिव थॉट्स है तो इस वक्त वो सामने आएंगे रिलीज़ होने के लिए। अगर पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा उस पर ओवर थिंकिंग करते थे तो वो इस वक्त भी सामने आ सकते हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान भी नहीं है, अचानक से वो सरफेस पे आएंगे रिलीज़ होने के लिए। तो जो भी थॉट्स आते जाते हैं उसको रिलीज़ करना है आपको। इस बात का ये साइन है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अभी भी दबी हुई है, इसलिए वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और ड्रीम में तो आप बहुत ज़्यादा वियर चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि आप बैलेंस हो गए हैं, एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी है, बट फिर भी ड्रीम में कुछ ऐसे निगेटिव साइन आपको मिल रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं लो फील करवा रहे हैं। तो एक्चुअली अभी हो क्या रहा है, जो भी निगेटिव थॉट्स हो गए, निगेटिव चीज़ें हो गई और निगेटिव लोग अभी आपके ड्रीम में आएंगे, ये साइन है कि उनको आपको रिलीज़ करना है। और नींद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है। ये 15 to 20 days से स्टार्ट हुआ है बट अभी ये इस वक्त ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे आप दिन भर नहीं सो रहे हो ना रात में आपको नींद आ रही है और बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आना, फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। और ये एक्चुअली कहीं ना कहीं क्लिनजिंग होती है तब आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हाई फीवर हो गया या थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, पूरा थ्रोट आपका चोक्ड हो सकता है। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं ट्रुथ को या किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है या फिर कोई चीज़ें हम ऐसी देख नहीं पा रहे हैं जो डिवाइन हमें दिखाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो हमारे आइस में या ईयर में भी प्रॉब्लम होती है। इस वक्त डिवाइन फैमिली बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके सामने जिस पे आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा कहीं ना कहीं, कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है इस चीज़ को फेस करने के लिए, अपनी पावर का यूज़ करना है आपको। और अभी देखा जाए तो आपका हार्ट चक्र, सोलर और सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है और आप खुद से अनकंडीशन लव करोगे, क्योंकि अभी जो फुल मून है वो वर्गो में है, कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप खुद से प्यार करोगे, सेल्फ केयर करोगे, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। अगर बहुत सारे डीएफ अभी बैलेंस हो गई हैं तो ये सब कुछ आप करोगे ज़रूर। और बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने ऐसी भी क्रिएट हो रही है जहाँ पे यूनिवर्स खुद आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पावर्स है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो जो भी चीज़ें आपके सामने आती जा रही है उसको फेस करना है, उसको रिलीज़ करते जाना है। और आपका सैक्रल चक्र भी ओपन हो रहा है तो इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी साइड भी बाहर आ सकती है। आप खुद अपनी लाइफ के को क्रिएटर बनेंगे, जहाँ पे आप हर चीज़ों को खुद ही क्रिएट करेंगे। तो ये एनर्जी है अभी उन डीएफ की जिनकी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है और जो अपनी मिड ऑफ द जर्नी पे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस हो चुके हैं बट अभी भी कुछ इशू हैं या कुछ ब्लॉकेज हैं जो रिमूव नहीं हुए हैं, वो अभी सरफेस पे हो रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ उन डीएफ की जो बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई हैं, उनकी ग्रोथ भी हुई है, अबंडेंस भी मिल रहा है, लेकिन अभी इस वक्त क्या हो रहा है, अभी उनका जब डायमेंशन इंक्रीज होता है तो बहुत ज़्यादा एक पर्जिन वाली सिचुएशन आती है जो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है
जो हम 3D के चक्करों में अभी तक पड़े हुए हैं उनको भी हमें रिलीज़ करना है। कहीं ना कहीं अगर कुछ परसेंट भी आपके अंदर वो चीज़ें बाकी हैं तो यूनिवर्स खुद ही वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूनिवर्स ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस पर ट्रिगर नहीं होना है। पर्जिंग तो अभी सारी DF को होने वाली है, भले आप किस भी स्टेज में हैं लेकिन आपकी पर्जिंग तो होना ही है। क्लींजिंग हो सकती है, निगेटिविटी रिलीज हो सकती है और DM की भी एनर्जीज को पिक करके आप पर्ज कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम के लिए बहुत अच्छे से आपकी सोल क्लींजिंग होती है, तो ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस टाइम आप लोगों को ग्राउंडिंग ज़रूर करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपना इनर वर्क को स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी बहुत पीजिए, हाइड्रेट रहना है, हल्का खाना खाइए, ऑयल मसाला ये सब कुछ खाना नहीं खाना है वरना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।